अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली। YouTube फैमिली क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। हाँ जी ठीक ठाक हैं सब के सब। तो चले आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? खैरियत से हम इज्जत करेंगे, आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी सब ठीक है। तो ईद मुबारक ठीक है, आज का पहला दिन है और मास हम लोगों ने पढ़ ली है और मीठा भी खा लिया, सोया भी खा लिया, जो रात को मैं बना रही थी वो खा लिया। और ये है यहाँ पे ईद मुबारक, बच्चों को ईदी जाने लगे थे, बच्चों को ईदी मिल भी गई है कुछ, तो मैं आपको बहुत दिखाती हूँ। ये बच्चों को ईदी मिल रही है यहाँ पे, मुबारक मुबारक में डालो सब। वाओ, और यहाँ पे हम लोगों ने खा पी लिया सारा, एक खुल रहा सारे खुल रहे। चलो ओ नूडल्स, ये लो रोटी, एक चीज और भी है बिस्किट, ये लो तुम्हारे बच्चे। नहीं ये हुमा की भी, चलो सारे रैपर ईदियाँ मिल गई सबको? ईदी मिली भाई? मिल गई। तो अभी हमें मीठा तो खा लिया हमने, फिर अब काला पूरी खाएंगे। अब हमने क्या खाना है? हलवा पूरी, काला पूरी है? है? हलवा पूरी, हलवा पूरी, काला पूरी, हलवा पूरी। तो लेट्स गो, हम हलवा ले जा रहे हैं, हलवा पूरी लेट्स गो। अभी कौन सा चल रहा जी। हाँ, मेरी चाय तैयार हो गई है, ठीक है, चाय पक के और ये अभी आए हैं पूरियाँ लेकर, चाय पहले रखवा गए और पूरियाँ अब लेकर आए हैं, ये पूरियाँ आ गई हैं। और यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है, मैं प्याज पहले ब्राउन कर रही हूँ, इसका पेस्ट बना लूँगी। ये छोटा गोश्त है, फिर सुबह धो के रखा था, तो मैंने कहा चले हल्की आँच पे पकता रहेगा। प्याज लाए चलना चाहिए, ये पकड़े, ये बड़े सारे शेफ आ गए हैं, ठीक है। चाहे आप मेरी ना खुआ के और इतनी देर बाद आए, रश है, रश है, ईद है भाई। हाँ तो मैंने तो आपको पहले कहा था चाहे पक जाए कि आप जाए, आप इधर गजब बेइज्जती है, मटर गश्ती करते रहे, है ना। सब हलवा पूरी लेने आ रहे हैं, बस ये प्याज ब्राउन होगा इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। लेकिन एक गीली वाली फैल गई,
हाँ भाई, कैसी ना? खाना रेडी है? मटन कढ़ाई, ये क्या सीख टिक्का, वो क्या कहते हैं इसे, भोला कबाब कढ़ाई। ओह माय गॉड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाना फाइनली हम लोगों ने खा लिया था। अपने मुँह में देख ही रहे हैं, दांत में फंस जाते हैं यार ये बूटियाँ छोटियाँ। और उसके बाद अब देखें ये हालात होते हैं, ये देखें, ये संभालो, ये संभाल रहे हैं। हमने क्या बनाया था, मटन कढ़ाई बहुत ही डिलीशियस थी, और साथ में गोला कबाब कढ़ाई वो भी बड़े मज़े की थी, ठीक है ना। अब ये चावल, ये चीज़ भज गई है, इसकी हम इसमें हम डालेंगे चावल और मज़ेदार सब मटन, ये कहते हैं कढ़ाई तक सा बन जाएगा ज़बरदस्त सा, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है। इसको फ्रीज कर देते, चलो ठीक है, क्योंकि हम वीडियो खाने की वीडियो हम बना नहीं सके, क्योंकि भूख लगी हुई थी, और वैसे भी बस वैसे बच्चे सच्चे सब बैठे होते तो हम लोग वीडियो क्यों बनाए, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी शहरी के बर्तन ओहो, अफतारी के बर्तन आहा, कभी बड़े पतीले ओहो, कभी छोटे बर्तन आहा, यहाँ कदम कदम पर हमने बर। चले जी, रात के बज गए हैं 9, और अब हम पिज्जे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि डिसाइड हुआ था कि रात को पिज्ज़ा खाया जाएगा, पिज्ज़ा पार्टी होगी। हस्बैंड साहब तो ये लेटे हैं और कुछ लोग जो हैं वो पिज़्ज़ा लेने के लिए गए हैं, उसमें से एक सुलेमान बच्चा भी गया हुआ, नोटी सा हमारा बच्चा जो है वो भी गया हुआ अपनी पप्पो के साथ होता है एक साथ। तो दोपहर का खाना जो है वो बहुत मज़े का था, सबको बहुत मज़े का लगा, सब खा खू के टून हो गए, कोई किधर लेटा हुआ है, कोई कुधर लेटा है, सब उल्टे सीधे होकर लेटे हुए थे और सो रहे थे। मैं भी फाइनली बर्तन शर्तन धो के तो मैं भी लेट गई, और डेढ़ घंटे के लिए मैंने कहा चले मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, बर्तन शर्तन दर्द हो रहे थे। तो फिर आँख खुली बादलों की गरज चमक के साथ, हाँ जी बादल बादल आ गए थे शाम को, और बादलों ने उठा दिया मुझे, मेरी नींद थोड़ी कच्ची है तो बस तरह से शोर से ना मेरी आँख खुल जाती है। तो असर का टाइम भी हो रहा था तो मैंने कहा चलें नमाज़ पढ़ते हैं असर की, और बारिश तो बहुत तेज़ हुई तो पहले जाके वो क्लिप देखें, हस्बैंड साहब ने वो क्लिप बनाया। और ये देखें जी, दोबारा बारिश शुरू हो गई है, एक गांव पहले हो गई है, अभी फिर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, अब ये देख सकते हैं, यानी आपको कहीं आ भी रही है कि नहीं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखें। इसे कहते हैं पिंडी, पिंडी पिंडी ये पिंडी ये पिंडी ये पिंडी ये पिंडी के वेदर और लाहौर की लड़की का कोई पता नहीं होता। चले जी बैक, अब आ गए हैं, अब यहाँ पे ये देखें लेटे हैं, पिज्जे का वेट हो रहा है, पिज्जे का पेट पे वेट कर रहा है। हाँ, अब पेट सारा खाली खाली सा हो गया ना, क्योंकि दोपहर को खाया था तो वो काफी भर गए थे, भर गया था पेट। हाँ, अब थोड़ा हल्का हो रहा है, हल्का हो गया, अब तहजीब का पिज्जा आ रहा है तो थोड़ा वो हैवी होता है, एक एक स्लाइस खा लो तो पेट भर जाता है, शाम की चाय शाय भी मैं पी लेती। वेट करें बस, फिर हमारे साथ वेट करें, साथ-साथ रहे अपना ब्लॉग में, वेट बने रहें बने रहें। हां बने रहें बने रहें।